वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्या जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर फोर और फॉलो नंबर सिक्स ही रहने वाला है तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं इसके पहले मैं एक डाउट को क्लियर कर देना चाहती हूँ मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर थ्री बनाया था जिसमें क्वेश्चन नंबर नाइन दिया गया था बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है हमने बताया था बाईस जिला बिहार के कुल सीमावर्ती जिला की संख्या कितनी है बाईस हमने ये भी बताया था कि नेपाल से सात जिला संपर्क करती है और यूपी से आठ जिला और आठ जिला झारखंड से सीमा लगाती है और तीन जिला पश्चिम बंगाल से कई लोगों को माना था कि मैम आठ प्लस आठ प्लस सेवन प्लस थ्री टू कितना होना चाहिए 26 जिला आपने तो ही बताया हमने सही बताया था बाईस जिला ही होगा वो कैसे यहाँ पे गौर करिएगा यहाँ पे एक जिला है किशनगंज किशनगंज जो जिला है यह पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगाती है और नेपाल से भी उसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ पर एक जिला है कटिहार कटिहार जो है वेस्ट बंगाल से भी और झारखंड से भी सीमा लगती है उसी तरह से यहाँ पे एक जिला है रोहतास रोहतास की सीमा यूपी से भी और झारखंड से भी लगती है और यहाँ पे एक जिला है पश्चिम चंपारण जो कि नेपाल और यूपी से सीमा लगती है तो आपने इसे दो दो बार काउंट कर रहे हैं अगर आप लोग इसे माइनस कर देंगे छब्बीस माइनस फोर इक्वल टू बाईस ही जिले होंगे क्लियर आई होप समझ गए होंगे अब इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कितनी बार हुआ है बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी छत्तीस आर्य शब्द का उल्लेख छत्तीस बार किया गया है 33 बार चर्चा किया गया है कृषि का और छियालीस बार चर्चा किया गया है गण का एक बार गंगा का उल्लेख किया गया है एक बार पृथ्वी का चर्चा किया गया है और एक बार राजा की चर्चा किया गया है यमुना नदी का उल्लेख तीन बार किया गया है सबसे पवित्र नदी कौन सी थी या सरस्वती थी सबसे पवित्र नदी सरस्वती लेकिन सबसे अधिक उल्लेख किया गया है नदियों में तो यह सिंधु नदी का ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर दो देखने वाले हैं निम्नलिखित में से शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था शुंग वंश शुंग वंश का संस्थापक कौन थे कपुष्य मित्र सुंग पुष्यमित्र सुंग मौर्य के अंतिम शासक वृद्ध की हत्या करके वंश की स्थापना की थी यहाँ पे क्वेश्चन है और वासुदेव ने कर्ण थी मौर्य ने सात वंशों ने शासन किया था माफ करिएगा मगध पर टोटल सात वंशों ने शासन किया था जिसका ट्रिक है हसीन मसुख सा वंश शिशुनाग वंश नंद वंश मौर्य वंश सुंग कर्वंश और सातवाहन वंश क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है ना यह है सेंट लॉरेंस नदी पर कहा अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका में यह अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वही कुचकल जलप्रपात कहाँ है तो यह है भारत में है और यह किस नदी पर है तो वराही नदी पर किस नदी पर वराही नदी पर नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है यह हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर जाम्बेजी नदी और यह है तो अफ्रीका और अफ्रीका के यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है अब दिमाग में आ रहा होगा कि पहला ऊंचा जलप्रपात अफ्रीका का कौन सा है हो जाएगा तुगेला जलप्रपात तुगेला जलप्रपात जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह तुगेला नदी पर है यहाँ पे क्वेश्चन क्या था विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एनजी जलप्रपात हो जाएगा जो कि वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर स्थित है किस नदी पर है कैरोनी नदी पर ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है कौन कौन से क्षेत्र जो है लैटिन अमेरिका में शामिल है देखिए दक्षिण अमेरिका भी है वेस्ट इंडीज है मेक्सिको है मध्य अमेरिका है आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी लैटिन अमेरिका में शामिल है दक्षिण अमेरिका वेस्ट इंडीज मैक्सिको और मध्य अमेरिका क्वेश्चन नंबर फाइव दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है हरि नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है तय हो जाएगा संघीय सरकार का संघीय सरकार का नेक्स्ट क्वेश्चन और एक हरिनागरिकता संसदीय किसने कहा था की नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है यह कहा था के टी नीति निर्देशक तत्व तो भाग चार में है अनुच्छेद से लेकर के तक चर्चा किया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है यह नायोचित नहीं है नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा जो आसानी से प्राप्त न हो इसका जो आंसर हो जाएगा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो आंसर हो जाएंगे डी सुलह मुद्रा कहेंगे ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना आंसर हो, हो जाएगा ए बिहार के कौन सा जिला दो राज्यों से सीमा बनाता है बताइएगा बिहार के कौन सा जिला दो राज्यों से सीमा बनाता है हमने बताया भी था स्टार्टिंग में ही यह हो जाएगा रोहतास और कटिहार रोहतास की सीमा यूपी से भी लगता है और झारखंड से भी लगता है उसी तरह से कटिहार की सीमा वेस्ट बंगाल और फिर झारखंड से सीमा लगता है आंसर हो जाएगा सी। तो के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है दो तो हजार तेईस में जी ट्वेंटी संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है कहा हुई है जी ट्वेंटी सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में कहा खजुराहो में बिल्कुल आराम से चल रहे हैं आप लोग भी साथ साथ आंसर दे सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है नामबीविया से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए आठ चीतों में से एक मादा चीता मौत मादा चीता की मौत हो गई मादा चीता की मौत हो गई है इस मादा चीता का नाम क्या था नाम्बीविया से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए आठ चीतों में से एक मादा चीता की मौत हो गई इस मादा चिता का नाम क्या था इसका नाम था सासा क्या नाम था सासा आंसर हो जाएगा बी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश नीन में से कौन सुमिलित नहीं है बताइएगा कौन सुमिलित नहीं है नीला थो था कॉपर सल्फेट एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड आंसर हो जाएगा डी हाइपोसोडियम कार्बोनेट गलत है थायो सल्फेट होना चाहिए रोग बिछान के अध्ययन को कहा जाता है रोग विछान के अध्ययन को क्या कहते हैं इसे कहेंगे पैथोलॉजी पैथोलॉजी लिवर का अध्ययन से कौन सा सुमिलित नहीं है कौन सा सुमिलित नहीं है इसे देख लें इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश यहाँ पे दिया गया है द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। है। के के में नंबर में नहीं है।, पानी से गुजर सकती है जी बिल्कुल ध्वनि तरंगें हवा से होकर गुजर सकती है हाँ इसमें कोई डाउट नहीं ध्वनि तरंगें इस पास से होकर गुजर सकती है हाँ देखिए ध्वनि जो है सर्वाधिक ठोस उसके बाद द्रव उसके बाद गैस में गमन करती है निर्वात में गमन नहीं करती है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती है या गलत दिया गया है नहीं गुजर सकती है नीन में से किसे क्षारिय मृदा धातु कहा जाता है क्षारिय मृदा धातु किसे कहेंगे क्षारिय मृदा धातु किसे कहेंगे मैग्नीशियम को आंसर हो जाएगा ए बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है जिब्रेलेंस कोश का विभाजन साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन वह वर्णक जो वनस्पति को प्रावैग्निक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है वह वर्णक जो वनस्पति को प्रावैग्निक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है क्या हो जाएगा कैरोटी नाइड भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है तो हो जाएगा सुंदरवन वेटलैंड सुंदरवन वेटलैंड क्वेश्चन नंबर बाईस मार्च दो हजार तेईस में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है मार्च दो हजार तेईस में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है यह हुआ है पंचानवा आंसर हो जाएंगे डी बिल्कुल आराम से चलेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मुनि जिन प्रभासुरी किस सतल कालीन शासक से संबंधित है जैन मुनि जिन प्रभा किस सल्तरत कालीन शासक से संबंधित जो त्यौहार होते थे होली और दिवाली इसे यह मनाया करता था बहुत पढ़ा लिखा शासक लेकिन सारे के सारे काम इसका फेल हो गया था क्वेश्चन है कमल महल का संबंध निम्नलिखित से किस साम्राज्य से था कमल महल का संबंध किस साम्राज्य से था हो जाएगा विजयनगर विजयनगर की स्थापना कब की गई थी तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस पे टोटल चार वंशों ने शासन किया था संगम वंश सालुव वंश तुलुव वंश और अराविडु वंश सर्वाधिक शासन काल जो था यह संगम वंश का था हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी कृष्ण देवराय किस वंश से संबंधित थे कृष्ण देवराय तुलुव वंश से संबंधित थे किस वंश से तुलु वंश से संबंधित थे ये भी ध्यान रखिएगा कृष्ण देवराय के समय कौन भारत आया था बारबोसा और डोमिगो पायस जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था निकोले डी कांटी इटली का रहने वाला था ये किसके दरबार में आया था तो यह आया था देवराय प्रथम के दरबार में देवराय प्रथम के दरबार में आया था निकोले डी कांटी इटली का रहने वाला था अब्दुल रजाक जो था यह फारस का रहने वाला था अब्दुल रजाक फारस का रहने वाला था और यह देवराज द्वितीय के दरबार में आया था इसका पुस्तक का नाम है मतला ए साहेन मतला ए साहेन जिसे हमें विजयनगर के साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है नूनिज किसके समय आया था यह आया था अच्युत देव राय के समय में अच्युत देव राय के समय में ध्यान रखियेगा फॉर्नाओ नूनीज इनका पूरा नाम था नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर पच्चीस इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बहनी साम्राज्य की स्थापना तेरह सौ सैतालीस ईस्वी में हुआ था हसन के द्वारा क्वेश्चन नंबर 25 है अध्याशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ अध्याशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है वह व्यस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी यह गलत दिया गया है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी यह भी गलत दिया गया है वह बहुदलीय निकाय थी उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया तीन और चार जो है सही दिया गया है क्वेश्चन क्या पूछा गया था कौन से कथन संविधान सभा के विषय सह में सही नहीं दिया गया है एक और दो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है कुल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है तो हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन सत्यम समिति संबंधित है सत्यम समिति संबंधित है समिति से भी संबंधित मैं क्वेश्चन करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं सत्यम समिति से संबंधित है यह हो जाएगा वस्त्र नीति वस्त्र नीति लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है या संबंधित है ज्वालामुखी भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल सृचनाओं में पाया जाता है भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की रचनाओं में पाया जाता है यह पाया जाता है टर्सियरी टर्सियरी नहीं तो फिर ऑप्शन का अकॉर्डिंग करिएगा अब सारे चट्टानों में ही पेट्रोलियम पदार्थ कोयला आदि प्राप्त होता है आग्नेय चट्टान में बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती है जैसे कि सोना चांदी हीरा ये सब अग्निय चट्टान में गुडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कायन किया गया इसका आयोजन भारत में किया गया कहा भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया भारत में क्वेश्चन नंबर बत्तीस विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक तेईस में भारत का कौन सा स्थान मिला है विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक धारते इस में भारत का कौन सा स्थान मिला है तै मिला है 67 व प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान दोहरा सिद्धांत किसने दिया था तो डी ब्रोगली ने किसने डी ब्रोगली ने तरंग के समान हाइगेंस और कण के समान दिया था यह न्यूटन ने प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना को कहते हैं प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं इसे कहते हैं अपवर्तन क्या कहेंगे अपवर्तन कहेंगे निम्न रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है निम्न रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है आंसर दिया गया है कार्बन ऑप्शन दिया गया है कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है कम आयतन निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवी ससंजक वन दर्शाता है कौन गैर ध्रुवी ससंयोजक वन दर्शाता है क्या दर्शाता है? है क्लोरीन अणु क्लोरीन अणु नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए लैंगर हंस द्वीप से लैंगर हंस द्वीप से इंसुलिन का श्राव होता है पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का श्राव थायराइड ग्रंथि से कैल्सियटोनिन का श्राव एड्रिनल ग्रंथि से एपीने फ्रीन का श्राव होता है एक बार फिर से रिवीजन करते हैं लैंगर हंस द्वीप से श्राव होता है इंसुलिन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन थायराइड ग्रंथि से कैल्सियटोनिन एड्रिनल ग्रंथि से एपिने फ्रीन एपी नेफ्रिन एपी नेफ्रिन क्लियर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तर का कार्य करता है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तर का कार्य करता है कार्य करता है एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तर का कार्य एंडोस्पर्म करता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं जो पादक जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं तो यह कहलाते हैं मोनोकार्पिक क्या कहलाएंगे मोनोकार्पिक नेक्स्ट है जगनात्रा अम्मा बॉडी योजना जगनात्रा अम्मा बॉडी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है यह प्रारंभ की गई है आंध्र प्रदेश में जगनात्रा अम्मा बॉडी योजना कहा आंध्र प्रदेश में भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु सेनाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ करेगा भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ करेगा या कहाँ करेगा राजस्थान में तरंग शक्ति का आयोजन राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है सुमिलित कीजिए आयोग और उसके अध्यक्ष प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष कौन थे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष मोरारजी देसाई राजमार समिति इसका संबंध हो जाएगा राजमनार समिति का संबंध होता है केंद्र राज संबंध सभी का तो केंद्र राज संबंध से ही दिया गया है राजमनार समिति के अध्यक्ष कौन थे तो यह थे डीपीवी मन्नार सरकारिया आयोग आयोग का रंजीत सिंह और पुछ आयोग मदन मोहन फिर से मिलाइएगा प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष मोरारजी देसाई राज मन्नार समिति के अध्यक्ष डी पी वी मन्नार सरकार रंजीत सिंह अध्यक्ष थे आयोग का मदन मोहन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से आप लोग वीडियो करके मिला लीजिएगा याद करने का प्रयास करिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर देख लेते हैं सिज फ्राइड रेखा निमे से किन किन देश के बीच है सीज फ्राइड रेखा सीज फ्राइड रेखा जो है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है जर्मनी और फ्रांस के बीच आंसर हो जाएगा ए. समानांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच में है रूस और फिनलैंड के बीच में है मैनर हिम रेखा मैनर मैगिनोट रेखा, रेखा किसके बीच है तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है जर्मनी और फ्रांस के बीच और मैगिनोट है जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है हिंडनबर्ग और फिर ओडर रेखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान संशोधन के द्वारा असम से अलग कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया मेघालय को बाईसवां संविधान संशोधन के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम संजीवनी पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था इसके संपादक कौन थे तो के के मित्रा थे के के मित्रा स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था बंगाल विभाजन के लागू होने के कारण घोषणा कब हुआ था बंगाल विभाजन का तो यह भी ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को लागू कब कर दिया गया तो 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पे कभी कभी 20 भी दिया रहता है ध्यान रखिएगा रद्द किया गया था 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय और तीसरा हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में, में दिल्ली दरबार लगा था ये तीनों दिल्ली दरबार को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर है सेवन गुप्त काल में दान विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था दान विभाग के प्रधान को गुप्त काल में क्या कहा जाता था अग्रहारिका क्या कहा जाता अग्रहारिका आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है कौन होता है प्रोटेम अस्... प्रोटेम आदि योगी मूर्ति का निर्माण कहा करवाया गया है आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया है कोयम बटूर संयुक्त राज अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है संयुक्त राज अमेरिका जो है यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है यूएसए इस संस्था से कब औपचारिक तौर पर अलग हुआ था अलग कब हुआ था ये बताना है 2018 में भारत के अध्यक्षता में हुए तेईसवें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया भारत के अध्यक्षता में हुए तेईसवें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था तुर्कमेनिस्तान पारंपरिक मीठी महोत्सव चिक्कल कालो का आयोजन कहाँ किया गया है चिक्कल कालो चिक्कल कालो का आयोजन कहा किया गया है तय किया गया है गोवा में कहा गोवा में चिक्कल कालो मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और पूरे शरीर में भेजता है यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे दे उसके बाद आंसर देंगे मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और पूरे शरीर में भेजता है यहाँ पे थोड़ा आंसर गलत हो सकता है इसलिए मैंने टाइम दिया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बायानील सूत्र कनिका निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ है सूत्र कनिका निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ है यह हो जाएगा उनके अपने प्रोटीन का किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है वृद्धि होता है क्या होता है वृद्धि होता है मंदन क्या है मंदन ऋणात्मक त्वरण है ऋणात्मक त्वरण है मौरकालीन लोक मूर्ति कला की उत्कृष्ट यक्षनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है यक्षनी येश, की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है दीदारगंज से बिहार के दीदारगंज से प्राप्त हुआ है भागलपुर में आज बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था सचिदानंद सिन्हा किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड खिताब जीता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है क्या जीता है मुंबई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अच्छर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है अच्छर रिवर क्रूज अमित शाह ने लॉन्च किया है कहा मुंबई में एक मिनट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अच्छर रिवर क्रूज कहा लॉन्च किया है यह लॉन्च किया है गुजरात में आंसर हो जाएगा सी गुजरात किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दो तेईस से सम्मानित किया गया है नित्या अब्राहम को यंग कामकाज में अंग्रेजी शब्दों का करने पर एक लाख पाउंड का एक नया कानून पेश किया है समझ सकते हैं किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी या अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग करने पर एक लाख पाउंड तक का जुर्माना लगाने का एक नया कानून पेश किया है तो पेश किया है इटली कौन इटली भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए कालकाल बताना है लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासन काल है 1916 से 1921 लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात हो रही है 1910 से 1916 1910 से 1916 लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 सौ ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा एक तीन दो और आंसर हो जाएंगे ए रामानुज के अनु को कहा जाता है रामानुज के अनुवायु को कहा जाता है वैष्णव क्या कहा जाता है वैष्णव आंसर हो जाएंगे बी रामानुजाचार्य ने ही विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था विशिष्टाद्वैतवाद रामानुद्वैताचार्य श्री संप्रदाय की उन्होंने स्थापना किया था अद्वैतवाद दिया था किसने शंकराचार्य ने, ने। द्वैतवाद किसने दिया था द्वैतवाद माधवाचार्य द्वैता द्वैतवाद निम्बकाचार्य निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव और शुद्ध द्वैतवाद भी ध्यान रखिएगा ये छूट गया था शुद्ध द्वैतवाद जो दिया था यह बल्लाचार्य बल्लाचार्य संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है तो एक माह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नहीं है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है देख लेते हैं वह किन सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जी बिल्कुल भारत के संचित निधि की रक्षा करता है हाँ। केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले अभी अभी नहीं सभी ऑफिस संस्थानों का लेखा परीक्षण करता है हाँ वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है यह गलत दिया गया है संसद में क्यों रखेगा रखना भी हो तो विधानमंडल में रखेगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था जैविविधता शब्द का प्रयोग जैव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था वाल्टर जी रोजे ने वाल्टर जी रोजे ने इकोलॉजी टर्म किसने दिया था ये भी बताइएगा इकोलॉजी टर्म किसने दिया था तो रीटर ने रीटर ने दिया था व्याख्या किसने किया था तो हैकल ने व्याख्या हैकल ने दिया था इकोसिस्टम इको सिस्टम टर्म किसने दिया था तो टानस लेने टान लेने और व्याख्या ओडम ने किया था गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है चिन्हित कीजिए गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है मैदान में हुआ है वह कौन सी नदी है क्या है कौन सी नदी आप लोग पहले बता लें गोमती नदी यूपी के पीलीभी जिला से निकलती है आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा नदी की लंबाई कितनी है पच्चीस पच्चीस किलोमीटर दो हजार पांच सौ पच्चीस सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है क्या ली है किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ किसने ली है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वित्तीय वर्ष दो राजकोषीय घाटा घटकर सकल घरेलू उत्पाद का कितना हो गया? वर्ष के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा घटकर कितना प्रतिशत हो गया सिक्स पॉइंट फोर परसेंट सिक्स पॉइंट फोर परसेंट नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर सरकार ने एक विशेष प्रकार का सिक्का लॉन्च किया कितने प्रकार का सेवेंटी लॉन्च किया है ऑप्शन हो जाएगा सी तीन में से किस संस्था का मुख्यालय सुमेलित नहीं है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस में है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहा है पेरिस में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जकार्ता में है गुट निरपेक्ष आंदोलन जकार्ता नेस्ट है अफ्रीकी यूनियन इसका मुख्यालय हो जाएगा अदिस अबाबा यूरोपीय ऊर्जा आयोग का स्थापना बियना नहीं है यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय है यह कहाँ है यह जिनेवा में है आतंकवादी विरोध दिवस कब मनाया जाता है आतंकवादी विरोध में चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया जी ट्वेंटी में चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया 2016 में उमा शंकर मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है उमा शंकर मिश्रा का संबंध जो है यह सितार से है सास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है सास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है इजराइल का अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है अमृत दीवान कप का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से करगा पुनीता किस राज का लोक नृत्य है करगा पुनीता यह है कर्नाटक का राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहते हैं महाप्रयाण घाट नेक्स्ट है, है. मोदी सेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है मोदी सेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक ए जय शंकर हैं आंसर हो जाएगा बी जिम कार्बे टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है जिम कार्वे टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है आंसर हो जाएगा ए रामगंगा नदी यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है इसका आंसर हो जाएगा ए के के शासनकाल अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या है इसका एक ट्रिक है बाघ शाहदेव बाघ शाहदेव बहादुरपुर धर्मठ का युद्ध बाघ शाह सा, का युद्ध और देवराय का युद्ध एक खजुआ भी याद रखिएगा बहादुरपुर धर्मत सामोगढ़ खजुआ देवराई का ये आंसर हो जाएगा ए निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक के काल में अरब यात्री सुलेमान आया था किस राजपूत शासक के काल में अरब यात्री सुलेमान आया था अमोघ वर्ष इसके समय के शासनकाल को कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है एल नीनो का उद्भव होता है एल नीनो का उद्भव होता है प्रशांत महासागर में इनमें से कौन सी मृदा प्रादीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है प्रादीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है यह है लाल मृदा कौन सी है लाल मृदा सर्वाधिक जलोढ़ मृदा और लाल मृदा दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पर काली मृदा और चौथे नंबर पर इलेक्ट्राइट मृदा जो है भारत में विस्तृत है क्वेश्चन नंबर एटी संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भीमराव अंबेडकर जो थे यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसका स्थापना उन्नीस अगस्त सैतालीस को किया गया था जिसमें टोटल सात सदस्य थे हेड कौन से पटाखे की आवाज आ रही है इसे इग्नोर करिएगा भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था भारत को प्रास्त बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन किस पद पर थे यह थे सोवियत संघ सोवियत संघ में राजदूत ऑप्शन हो जाएगा डी सोवियत संघ में राजदूत निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई है यह हुई है भील विद्रोह आंसर हो जाएगा ए भील विद्रोह कहां हुआ है महाराष्ट्र में केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश के, के वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है माफ करिएगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के, के वुड कार्विंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है लद्दाख ऑप्शन हो जाएंगे बी पटाखे के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटी वन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसे आप लोग देख लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है वो भी कमेंट करके बताइएगा अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच वायका शर्मा उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद